माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर राकेश कुमार त्रिपाठी और अब हम सॉल्व करते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फोर। आप बुक देखेंगे तो ये इस तरह से दिखेगा आपको, 1 upon x square x to the power 4 plus 1 to the power 3 by 4 dx। इसे भी आप, जैसे मैंने आपको बताया है कि इट इज सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर वन, 1 BC के जैसा था, 3 BC के जैसा है। आप कॉमन लीजिए, इससे कॉमन लेना थोड़ा ट्रिक से, x टू द पावर 4 कॉमन, 1 plus 1 upon x to the power 4 whole to the power 3 by 4 dx इज इक्वल टू dx अपॉन एक्स स्क्वायर। अब ये x टू द पावर 4 की भी पावर 3 बाय 4 है और इसकी भी पावर 3 बाय 4 है। अब आप इसे कैलकुलेट कर लें, 4 से 4 कैंसिल, तो ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब 1 प्लस 1 अपॉन x टू द पावर 4 टू द पावर 3 by 4 dx। एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब पावर मल्टीप्लाई नहीं होगी, पावर ऐड होगी क्योंकि बेस सेम है, तो एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब एक्स टू द पावर 5 होगा। आई विल बी dx अपॉन एक्स टू द पावर 5 1 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 टू द पावर 3 by 4। एंड now on substituting t is equal to 1 plus 1 upon x to the power 4 which you can write 1 plus x to the power minus 4 dt by dx on differentiating, differentiation of 1 is 0, differentiation of this is minus 4 x to the power minus 4 minus 1 and this you can write dt upon minus 4 dx और x टू द पावर माइनस 5 नीचे जाने दें, dx अपॉन x टू द पावर 5। देखिए dx अपॉन x टू द पावर 5 कैन बी रिप्लेस्ड बाय dt बाय माइनस 4, देयरफॉर I इज इक्वल टू dt अपॉन माइनस 4 होल अपॉन दिस यू कैन रिप्लेस बाय t, देयरफॉर इट बिकम्स t टू द पावर 3 बाय 4। अब सिमिलर कंसेप्ट, इफ नथिंग इज इन डिनोमिनेटर, ऑफ डिनोमिनेटर यू कैन राइट 1 और इसको आप लिख पाएंगे I इज इक्वल टू dt अपॉन माइनस 4 t टू द पावर 3 बाय 4 माइनस 1 बाय 4 और इसे ऊपर ले ले t टू द पावर माइनस 3 बाय 4 dt उस इंटीग्रल विल बी माइनस 1 बाय 4 टी टू द पावर माइनस 3 बाय 4 प्लस 1 अपॉन माइनस 3 बाय 4 प्लस 1 प्लस सी माइनस 1 बाय 4 टी टू द पावर माइनस 3 बाय 4 यू कैन कैलकुलेट टी टू द पावर 1 बाय 4 एंड सिमिलरली द डिनोमिनेटर 1 बाय 4 1 बाय 4 1 बाय 4 गेट कैंसिल प्लस सी एंड यू कैन सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ इजिली t की वैल्यू देखिए t का वैल्यू हमने क्या है t का वैल्यू 1 प्लस 1 अपॉन x टू द पावर 4 तो ये आपका हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन x टू द पावर 4 होल टू द पावर 1 बाय 4 1 बाय 4 प्लस c। सो इन दिस वे दिस क्वेश्चन कैन बी इंटीग्रेटेड एंड आपने देखा होगा, you would have seen that question number 1, question number 3 and question number 4 are similar questions. So in this way you can integrate it and do write your comment and share solution of this question with your friends. So in the next video I will be solving question number 5. Wish you good luck.